दोस्तों शिहाब भाई को अगर लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा शिहाब भाई से मिलने के लिए हर कोई बहुत बेचैन और बहुत बेताब है हर हिंदू भाई बहन भी उनसे लाइनों कतारों में लगे हुए हैं वो भी उनसे एक बार मिलना चाहते हैं वो भी उस इंसान को देखना चाहते हैं कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने इतनी बड़ी हिम्मत का काम किया एक कट्टर औरत जो मैं अभी फ़ोटो में दिखा रही हूँ आपको तो इन्होंने शिहाब भाई से मिलने के लिए इन्होंने पूरी रात ये रोड पर खड़ी रही और इनसे जब पूछा गया कि आप किसका इंतज़ार कर रही हैं तो इन्होंने बताया कि मैं उस शख़्स का इंतज़ार कर रही हूँ जिसने इतना बड़ा कदम उठाया मैं उनके जज्बे को सलाम करती हूँ और शेराब भाई जिन्हें हज सफ़र के लिए निकले हुए बहत्तर दिन पूरे हो चुके हैं कल जुमा के दिन उन्होंने रॉयल में एक होटल में गुजारा वहीं उन्होंने नमाज जुमा अदा करी शहराब भाई डेली तीस किलोमीटर पैदल चलते हैं और अभी भी वो अजमेर से अस्सी किलोमीटर दूर हैं अस्सी किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है भाई जब राजस्थान के इस रॉयल होटल के आसपास पहुंचे पहुँचे तो वहाँ भी उसी तरह भीड़ थी जिस तरह हर जगह से गुजरने में उनको भीड़ से लोगों ने उनको घेर लिया बहुत देर से लोग लाइन पर लगे हुए थे उनका इंतज़ार कर रहे थे और जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी उनका उसी तरह बहुत ही शान शौकत से उनका इस्तेबाल किया गया शेह भाई एक ऐसे शख्स हैं जिनसे मिलने के लिए चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो हर कोई बहुत ही बेचैन है हर कोई उस शख्स को एक बार देखना चाहता है एक बार मिलना चाहता है जिसने इतना बड़ा कदम उठाया हज सफ़र पैदल करना यह भी कोई आसान काम नहीं है आप सभी से गुजारिश है कि शेब भाई के लिए दुआएँ करें ताकि खैरियत से ये हज़ सफ़र उनका पूरा हो दोस्तों शेह भाई को अगर लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा